खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि 10 करोड़ की लागत से निर्मित किए जा रहे इंडोर स्टेडियम नूरपुर को 3 मई को युवाओं को समर्पित कर दिया जाएगा, जबकि उस दिन सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास भी किया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने वीरवार को राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के बनने से युवाओं को जहां अपनी प्रतिभाओं के जौहर दिखाने का मौका मिलेगा, वहीं उन्हें खेलों की तैयारी करने के लिए भी बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। पठानिया ने कहा कि उद्घाटन के बाद कॉलेज के बच्चों के लिए ये स्टेडियम प्रतिदिन 2 घंटे खुला रहेगा। उन्होंने कॉलेज के बच्चों को स्टेडियम में लाने ले जाने के लिए 10 लाख रुपए की लागत से एक बस भी उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा वन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य स्तरीय जन्माष्टमी पर नूरपुर महोत्सव के नाम से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय तथा अन्य राज्यों के कलाकारों को बुलाया जाएगा। 50 अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे, उनके लिए 1 से लेकर 2 घंटे का स्टेडियम बिल्कुल फ्री में आपके लिए उस दिन में खुलेगा, ताकि आप वहां जाके प्रैक्टिस कर सको, आगे बढ़ सको। और अगले वार्षिक कार्यक्रम में ये नहीं सुनने का कि ब्रॉन्ज मिला या पार्टिसिपेट किया, नूरपुर के बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, ऐसा वादा आपने में से करना है। इसलिए आपने लिए वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की वहाँ पे रेसलिंग, इंटरनेशनल लेवल का वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इंडोर वॉलीबॉल, आपका जूडो, ऑल आपकी सेल्फ डिफेंस गेम्स और टेबल टेनिस का स्पेशल सेक्शन और एक योगा के लिए हमने स्पेशल सेक्शन बनाया है। 3 मई को मैं उसमें उद्घाटन करने वाला हूँ। आप सबको मेरा न्योता है, आप सब आइएगा। एक पहला वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम हमारा तैयार हो गया है। उसी दिन मैं वहाँ पे 400 मीटर का 6 लेन्स का सिंथेटिक ट्रैक जो 7.5 करोड़ से बनेगा उसका पत्थर रखूंगा और 2 महीने में तैयार करके इन बच्चों को समर्पित करूंगा, ताकि उस एथलेटिक ट्रैक का भी आप पूरा फायदा उठाएं। और उस एथलेटिक ट्रैक में भी तो आपके सारे फील्ड्स हमने कवर कर लिए और भगवान की कृपा रही, जिस स्पीड से काम चल रहा है हमारे कॉलेज का, आज सुबह आदरणीय चीफ सेक्रेटरी का फोन आया था मेरे को, उन्होंने कहा कि पठानी जी आप बड़े दिनों से हमारे पीछे पड़े थे, आपने पीछे आपके कहने में हमने 5 करोड़ रुपये लीज किया और आज के दिन जब मैं एनुअल फंक्शन में खड़ा हूँ, आर्या कॉलेज नूरपुर के लिए 7 करोड़ की एक इंस्टॉलमेंट और रिलीज हो गई है, ताकि हम अक्टूबर नवंबर तक आपका कॉलेज तैयार करके दें। और अगले कॉलेज में उस भोलेनाथ की कृपा रही, अच्छे बढ़िया सुंदर ऑडिटोरियम में बैठ के आपका फंक्शन करेंगे, ताकि आपको इस तरीके से गर्मी में बाहर ना बैठना पड़े। अपने दिन मैंने मुख्यमंत्री से नूरपुर की जन्माष्टमी को जो है स्टेट लेवल कार्यक्रम घोषित कराया, और इस साल 2 साल मेरे कोरोना में खराब हो गए जब से मैंने घोषणा कराई है। इस साल अगर कोरोना नहीं हुआ तो मैं एक इंटरनेशनल लेवल का सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें पूरे हिंदुस्तान से कलाकार आएंगे और मैक्सिमम कलाकार हम नूरपुर के बच्चे बच्चे तैयार करेंगे, ताकि एक इंटरनेशनल लेवल का सांस्कृतिक कार्यक्रम नूरपुर महोत्सव के नाम से जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग भी यहाँ नूरपुर मनाएंगे, हम भी अपना कल्चर पैदा करेंगे, हम भी बताएंगे कि नूरपुर का कल्चर कैसा है, नूरपुर में क्या होता है, नूरपुर में क्या नहीं होता। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ नूरपुर, वी शुड बी प्राउड ऑफ नूरपुर। हम नूरपुरी हैं तो हमें अपने आप को अपना गठन ऊंचा रखे, अपने आप को एज प्राउड नूरपुरी हमें फील करना चाहिए। इसी प्राउडनेस के लिए ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन रहा है, इसी प्राउडनेस के लिए ये इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज बन रहा है, इसी प्राउडनेस के लिए 1400 करोड़ की फिनिशिंग नहर बन रही है, इनाम मिले हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और जो बच्चे रह गए उनसे निवेदन करना चाहूँगा, लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स गेट टुगेदर और इतनी मेहनत करें कि अगली बार हमारा भी नाम यहाँ पर आए, हमारा भी नाम यहाँ पर आए। मैं चाहूँगा उस भोलेनाथ की कृपा से अब हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन चुका है, तो बहुत जल्द हम एक हिमाचल यूनिवर्सिटी की गेम्स का कोई ना कोई इवेंट लेकर आएंगे 3 मई के बाद, और नूरपुर आर्य कॉलेज उसको होस्ट करेगा और अपने स्टेडियम में वो पूरा स्टेट लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे होगा, ताकि अब नूरपुर का नाम भी जो है वो वापस वहाँ पे आना चाहिए। इस नूरपुर के लुटे हुए नूर को वापस लाना ये अब लड़ाई है और इस लड़ाई को हमने जीतना है, आगे बढ़ना है, आपके आशीर्वाद के साथ इसको जीतेंगे और नूरपुर का नूर लुटा कर वापस लाएंगे। आप सब ने मेरी बात को सुना, जो अभिनंदन किया, और अंत में एक स्पेशल धन्यवाद के साथ साथ प्राउड मोमेंट टू सी द एनसीसी विंग मार्चिंग लाइक ब्रेव सोल्जर्स, दे मार्च लाइक ब्रेव सोल्जर्स। और मैं बधाई देना चाहूँगा एनसीसी के स्टाफ को, उनके कोऑर्डिनेटर्स को, उनके ट्रेनर्स को और अपनी बच्चियों को और बच्चों को। आज पता चला कि नूरपुर के एनसीसी के बच्चे भी जब वर्दी पहन के निकलते हैं तो धरती कांपती है और नूरपुर का एनसीसी का ब्रिगेड चलता है। आज ऐसा गर्व महसूस हुआ
कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने इस बार विधायक बनते ही इस बात का निर्णय लिया था कि नूरपुर के कॉलेज में भी एनसीसी आनी चाहिए, पर वो आई है एंड यू हैव डन वेरी वेल, गॉड ब्लेस यू, प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरे साथ बच्चे नारे लगाएंगे, भारत माता की। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नूरपुर से साहिल डढ़वाल।